प्लेन से उतरते समय अभिनंदन की रीढ़ की हड्डी में लगी चोट, MRI स्कैन में खुलासा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान रीढ़ की हड्डी की चोट से गुजर रहे हैं। MiG-21 के पायलट वर्धमान ने 27 फरवरी को हवाई लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। इसके बाद मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच वर्धमान सुरक्षित विमान से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ उनकी झड़प हुई थी, जिसमें उन्हें यह चोट लगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से रविवार को यह जानकारी दी है। ANI के मुताबिक MRI स्कैन में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभिनंद के शरीर में कोई छिपा हुआ माइक्रोफोन नहीं मिला है, लेकिन चोट के दो निशान मिले हैं। एक चोट रीढ़ की हड्डी पर उन्हें जेट से पैराशूट के जरिए बाहर निकलते वक्त लगी, जबकि दूसरी चोट पसली में थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभिनंदन को दूसरी चोट उस दौरान लगी जब प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वे पैराशूट के माध्यम से POK में उतरे और वहां के स्थानीय लोगों से उनकी झड़प हुई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से रविवार को सुरक्षा एजेंसियों ने डिब्रीफिंग सवाल जवाब की। वहीं यहां एक सैन्य अस्पताल में दूसरे दिन भी उनकी चिकित्सकीय जांच की जा रही है। वर्धमान को अटारी बाघा सीमा से पाकिस्तान से भारत वापस लाने के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली लाया गया था, जहां भारतीय वायुसेना के कई वरिष्ठ पायलटों ने उनसे मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने विंग कमांडर से डिब्रीफिंग की और यह अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। उनके कई चिकित्सकीय परीक्षण भी किए गए। एक सैन्य अधिकारी ने बताया, यह सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही हैं कि वे जल्द ही कॉकपिट में लौट आएं। भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के दौरान हवा में हुई लड़ाई के दौरान उनका MiG-21 गिर गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। इससे पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था।